आपको क्या लगता है, ये गेंदबाजों को डराने वाले और बल्लेबाजों का विकेट लेने वाले सभी क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट ही उनका जीवन है? जी नहीं, आप गलत हैं। सच तो ये है कि ये क्रिकेट खेलने के अलावा बहुत सारे साइड बिजनेस करते हैं। उनमें से एक है रेस्टोरेंट का बिजनेस। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर अपने पसंदीदा शहर में रेस्टोरेंट खोलकर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और लोगों को टेस्ट का जायका भी दे रहे हैं। इन रेस्टोरेंट में उनका क्या फेवरेट फूड है जिसको खाकर वे अपने आप को फिट और फाइन रखते हैं, वो इनके मेन्यू में हाईलाइट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, विराट कोहली। अपने बल्लेबाजी से दुनिया के सभी गेंदबाजों में खौफ पैदा करने वाले बल्लेबाज विराट कोहली को क्रिकेट की दुनिया का किंग कहा जाता है। और कहा भी क्यों न जाए, ये बात हैरी श्रॉफ से पूछ लीजिए कि वो कितने खौफ में थे जब विराट ने T20 वर्ल्ड कप में उनकी कैद पर अनबिलीवेबल शॉट मारकर भारत को जिताया था। इस शॉट से विराट ने अपने दुश्मन को भी अपने तरफ कर लिया था। इस शॉट का दीवाना विराट ने सबको बनाया। क्रिकेट की पिच पर अपना दाव लगाते लगाते ये बाहरी दुनिया में बिजनेस का दाव भी लगाए हुए हैं। इनमें से एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है जो जुहू मुंबई में है और उसका नाम 18 कम्यून है, जो उनके जर्सी पर छपे नंबर 18 पर आधारित है। यह रेस्टोरेंट मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार के बंगलो में है जिसका नाम गौरी कुंज है, जिसे विराट ने 5 वर्ष के लीज पर लिया है। इस रेस्टोरेंट को विराट ने एलिगेंट लुक में लोगों के सामने पेश किया है और उसमें विराट का जर्सी और ऑटोग्राफ काफी आकर्षक है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। नंबर दो, शिखर धवन। भारत के सलामी बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन क्रिकेट के मैदान पर गब्बर के नाम से मशहूर है, जो अपने स्टाइलिश अंदाज में कैच पकड़ने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने दुबई में खोले गए रेस्टोरेंट का नाम फ्लाइंग कैच रखा है। शिखर धवन दिल्ली के हैं और दिल्ली का लड़का हो और फूडी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को फिट और फाइन रखने के लिए गब्बर ग्रिल्ड और तंदूरी फूड खाते हैं, जो उनको काफी पसंद है। मैं मोस्टली तंदूरी आइटम या ग्रिल्ड आइटम खाता ज्यादा, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हूँ। इनके रेस्टोरेंट में बटर चिकन, एग एवोकाडो, चिकन टेंडर्स और कई इंडियन फूड हैं, जिससे कोई भारतीय दुबई जाए तो उसे अपने घर का स्वाद मिले। शिखर धवन के फ्लाइंग कैच रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफी सुंदर है। इनके सिग्नेचर फ्लाइंग कैच का लोगो, जर्सी और क्रिकेट बैट इंटीरियर में जान फूंक देते हैं। नंबर थ्री, सुरेश रैना। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सुरेश रैना अब स्वाद की दुनिया में आ गए हैं। इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, वो भी विदेश में, और इसका नाम इन्होंने रैना रखा है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इन्होंने IPL में कमेंटेटर के रूप में काम किया था। विराट कोहली के जुहू में खोले गए रेस्टोरेंट के बाद इन्होंने देश में नहीं बल्कि सीधे विदेश में रेस्टोरेंट खोला और लोगों को अपने देश का देसी स्वाद चखा रहे हैं। दरअसल इन्होंने अपना रेस्टोरेंट नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में खोला है। इनके इंस्टाग्राम के बायो में भी मेंशन किया गया है कि वे इंडिया के ऑथेंटिक फ्लेवर के फूड को एम्स्टर्डम में एक्सपीरियंस कराएंगे। नंबर फोर, जहीर खान। अपने गेंदबाजी से बल्लेबाजों के नाकों चने चबा देने वाले स्विंग के किंग नाम से प्रसिद्ध जहीर खान भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ये कमेंट्री करते हुए क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। क्रिकेट के बाद इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला है जिसका नाम इन्होंने डाइन फाइन रखा है, जो लुल्ला नगर पूरे महाराष्ट्र में है। इस रेस्तरां में सब्जी बिरयानी, चिकन मंचाओ सूप, कबाब, गुलाटी कबाब, मलाई पनीर टिक्का, नान चाप हाइलाइटेड मेन्यू है। नंबर फाइव, चड्डू फूडफील्ड। राजपुताना शेर, जिसे तलवार चलाना काफी पसंद है, पेश है रविंद्र जडेजा। अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भी अच्छी टीम की नाक दम करने के लिए मशहूर रविंद्र जडेजा एक रेस्टोरेंट के भी मालिक हैं, जिसका नाम जड्डू फूड फील्ड है। यह रेस्टोरेंट राजकोट गुजरात में है, जहाँ पर बजट फ्रेंडली और टेस्टी मील मिलता है। इस रेस्टोरेंट को हालांकि इनकी बहन रन करती हैं। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में जड्डू स्पेशल भोजन शामिल है, जिससे लोग जान सके कि जडेजा अपने आप को क्या खा करके अपने आप को फुल फिट रखते हैं। और वैसे जडेजा दुनिया के सबसे फुर्तीले फील्डर्स में से एक है। ये रहे भारत के फेमस क्रिकेटर्स के रेस्टोरेंट, जहाँ पर इन खिलाड़ियों के फेवरेट मील को भी मेन्यू में शामिल किया गया है, ताकि आप लोग भी उनकी तरह खान पान को आजमा कर फिट और फाइन रह सकें। वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको अच्छी जानकारी दे सकूं।